शिवकर ग्राम पंचायत के सरपंच अनिल ढवले ने अपने आज तक के कार्यकाल में गांव में विकास की गंगोत्री लाई है। इसी विकास की कड़ी में इतवार को विधायक बालाराम पाटिल की प्रमुख उपस्थिति में अंतर्गत सड़कों के कंक्रीटीकरण का शुभारंभ किया गया। पनवेल तालुका अंतर्गत शिवकर गांव की सभी अंतर्गत सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जाने वाला है। विधायक बालाराम पाटिल की विधायक निधि, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत का निधि इन अंतर्गत सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस ऐतिहासिक सड़क निर्माण का भूमि पूजन विधायक बालाराम पाटिल की प्रमुख उपस्थिति में शेकापक्ष के तालुका सचिव राजेश किरणी के हाथों किया गया। इतवार को आयोजित इस भूमि पूजन समारोह के लिए शेकापक्ष के पुरोगामी युवा संगठन के तालुका अध्यक्ष पुरुषोत्तम भोईर, सरपंच अनिल ढवले, उप सरपंच लक्ष्मण तुपे, नारायण तुपे, पांडुरंग ढवले, एकनाथ भगत, सूरज भगत, विष्णु पाटिल, लक्ष्मण पाटिल, नरेश भगत, नीलेश तुपे, ज्योति पाटिल, कांग्रेस के नेता प्रवीण कांबले आदि गणमान्य सहित शिवकर ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान तालुका सचिव राजेश केणी ने सरपंच अनिल ढवले की सराहना करते हुए उनके आज तक के सरपंच पद के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए अनिल ढवले ने जो कार्य किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। अपने सरपंच पद के कार्यकाल में श्री ढवले ने ग्राम विकास की हर योजना पर काम किया, जो शायद पूरे पनवेल तहसील क्षेत्र में एकमात्र उदाहरण होगा। रायगड जिल्हा परिषद असो किंवा बाळाराम पाटील साहेब, आमदार बाळाराम पाटील साहेब यांचा निधी असो या त्याचप्रमाणे ग्रामनिधी अशा माध्यमातून एक दुसऱ्या रस्त्याचं नव्हे तर संपूर्ण शिवकर गावामध्ये कॉन्क्रिटीकरणाचं काम आणि त्याचं भूमिपूजन सन्माननीय आमदार बाळाराम पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी संपन्न झालं हे साहेबांच्या वतीने या ठिकाणी मी जाहीर करतो। अनिल ढवळे यांच्या माध्यमातून ही विकासाची गंगा या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे, त्याला खरं तर तालुक्यामध्ये तोड नाही असं मी या ठिकाणी म्हणेन। कारण एक वेगवेगळ्या पद्धतीनं क्रिएटिव्ह कामांचा धडाका या ठिकाणी लावलेला आहे। मधल्या काळामध्ये आपण बघितलं की वृक्ष लागवड ही काळाची गरज आहे, वृक्ष लागवड ही तुम्हा मंडळींची गरज आहे, पण त्यातून देखील चंदनाची सुद्धा शेती केली जाऊ शकते आणि ती सुद्धा रायगड पनवेल किंवा शिवकर परिसरामध्ये केली जाऊ शकते हे या ठिकाणी तालुक्याला आणि राज्याला संपूर्ण या ठिकाणी अनिल ढवळे यांच्या माध्यमातून दाखवण्यात आलेलं आहे। मी पनवेल पंचायत समितीचा माजी सभापती किंवा सदस्य म्हणून अनिल ढवळेंचं काम, निधी कसा वापरावा किंवा किंबहुना निधी कसा मिळवावा हे अनिल ढवळेंच्यापेक्षा वेगळं कोणी चांगल्या पद्धतीनं जाणत असेल असं मला वाटत नाही। हम आपको बता दें कि शिवकर ग्राम पंचायत के युवा सरपंच अनिल ढवळे ने जिस दिन से सरपंच पद का कार्यभार संभाला है उस दिन से लेकर गांव को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है और उसके लिए उन्होंने बड़े ही अभ्यासपूर्ण तरीके से काम किया है। गांव के बच्चों, बूढ़ों सहित महिलाओं के लिए भी विभिन्न योजनाएं लागू करने वाले अनिल ढवले ने गांव की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण रक्षा का भी ख्याल रखा है। गांव की सभी अंतर्गत सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण ग्राम पंचायत विकास परियोजना का ही हिस्सा है। शिवकर से नीलेश तुपे के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।